नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। तो शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी ने आज आवंटन से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्देश पारित कर दिया है, जिसमें शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु जिन अध्यापकों ने अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन किया है, उनके स्थानांतरण के संबंध में आज स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अधिकारियों को इस प्रक्रिया को 10 फरवरी 2021 तक पूर्ण करने के निर्देश दे दिए गए हैं। यानी यहाँ पर देखिए, सख्त निर्देश है कि 10 फरवरी 2021 तक पूर्ण कर दें, क्योंकि आपको बता दें कि इसी आवंटन और स्थानांतरण पर ही थर्ड काउंसलिंग डिपेंड है, क्योंकि जैसे कंप्लीट होगा तुरंत ही थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रक्रिया आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। कारण क्या है कि सभी अधिकारी अभी इसी कार्यक्रम में व्यस्त हैं। वहीं आवंटन हो चुके विद्यालय में नवनियुक्त शिक्षकों का स्वागत करते हुए वहाँ के स्टाफ। और जोधपुर से खबर आ रही है कि बीएड और बीएसटीसी मामले में जोधपुर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, बैठने के लिए अंतरिम आदेश दे दिया गया है। फाइनल निर्णय याचिका के अधीन होगा। अब सरकार 19 फरवरी तक आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। बता दें कि वहां पर विरोध के बाद फर्स्ट लेवल में से बीएड को बाहर कर दिया गया था, जिस पर अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने फिर बीएड धारक को फर्स्ट लेवल में शामिल करने का आदेश पारित कर दिया। और 13 शिक्षकों ने फर्जी दिव्यांगता दिखा करके हासिल की है नौकरी। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित बड़ी न्यूज ये है कि शिक्षक भर्ती की पारदर्शी व्यवस्था में बड़ी सेध लगा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग का रिपोर्ट का अभी जा रहा है, ये बाद में पता चलेगा, लेकिन 13 शिक्षकों का जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र था फिलहाल वो फर्जी घोषित कर दिया गया है। अभी और भी जांच है, ये स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के इंतजार के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो जिले में 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े की जो परतें हैं वो उधड़ने लगी हैं। ये लखीमपुर से है भी पहला न्यूज। पहले चरण में हुए 344 नए शिक्षकों की भर्ती में 13 शिक्षकों की दिव्यांगता पर सवाल उठ गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों को फिर से मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया है, यानी कि शक होने पर फिर से उनको भेज दिया है मेडिकल चेकअप के लिए। इससे सबक लेते हुए बीएससी बुद्धप्रीत सिंह ने इस बार 1,600 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांग कोटे से आए हुए 34 शिक्षकों को, तो जो पहले 13 शिक्षक पकड़े गए थे उनसे सीख लेते हुए जो 1,600 काउंसलिंग में आए हैं अब नियुक्ति पत्र लेके, उन 34 दिव्यांग कोटे वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांग करने के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने की सिफारिश करते सीएमओ को पत्र लिख दिया है यहाँ के बीएससी सर ने। आधे के दिव्यांग कोटे से हुई शिक्षक भर्ती का यह मामला बेसिक शिक्षा विभाग के जो व्यवस्था है उसमें एक बार सेध लगा चुका है। तो गैर जिलों से लखीमपुर को मिले हैं सिर्फ 70 शिक्षक, जबकि अधिकतर शिक्षक वहीं के मिल चुके हैं। तो शिक्षक भर्ती की पारदर्शी व्यवस्था में जो उससे सबक लेते हुए फिर से बोर्ड गठित कर दिया गया है। और ओबीसी रिक्तियों को भरने के लिए सरकार चलाएगी अभियान। तो केंद्र के अंतर्गत आने वाले सभी विभाग, मंत्रालय, सरकारी बैंक, वित्तीय संस्थान समेत अन्य उपक्रम में पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को जो भरने के लिए बैकलॉग को भरने के लिए सरकार विशेष अभियान चलाएगी। केंद्र के अंतर्गत आने वाले विभागों तथा अन्य उपक्रम में अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए रिक्तियां आरक्षित होती हैं। इन विभागों में रिक्तियों के बैकलॉग की निगरानी केंद्र के कर्मी एवं प्रशिक्षण विभाग करता है। तो जो खाली सीट है उसका जो मतलब निगरानी करता है प्रशिक्षण विभाग, अब सरकार ने सभी मंत्रालय, विभाग तथा उपक्रम में उन रिक्तियों को बैकलॉग को भरने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। भर्ती के लक्ष्य को पूरा करने के लिए डीओपीटी ने सभी मंत्रालय, विभाग को अपने अपने यहाँ एक समिति गठित करने का निर्देश दिया। और 2 महीने से अधिक समय से टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन न आने से परेशान अभ्यर्थियों अब सरकार तथा विभाग से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द फॉर्म निकाला जाए। वहीं टीम के जो सदस्य हैं युवा मंच ने पत्र लिखकर कहा है कि अगर आप टीजीटी पीजीटी विज्ञापन ऑनलाइन प्रक्रिया में नहीं करा पाते हैं तो ऑफलाइन प्रक्रिया ही करा करके फॉर्म ले लीजिए। 22,000 सीट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए, अब अभ्यर्थियों ने आज यहाँ माननीय विधायिका जी को जो कि इटावा की हैं, उन्हें 22,000 सीट को भरने के लिए जो खाली सीटें हैं ज्ञापन सौंपा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 22,000 सीटें ऐड करके जो गुणांक की वजह से बाहर हो गए हैं उन अभ्यर्थियों को सरकार योग्यता के अनुसार मौका दे, क्योंकि वो योग्य हैं उनके कट ऑफ के अनुसार। और एमआरसी का भी अपडेट दे देते हैं कि जो टीम ने फैसला लिया था कि 18 को सबसे पहले जुड़ी नई याचिका को डिटैक कराया जाएगा, वो आज डिटैक करा दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट से।
ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।